महादेव का गोरखपुर हिट या फ्लॉप। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। दोस्तों, चारों तरफ एक फिल्म की चर्चा है जिसका टाइटल है महादेव का गोरखपुर। रवि किशन स्टारर यह फिल्म है, कई सारे भाषाओं में रिलीज हुई है और इस फिल्म को खूब ज्यादा सराहा जा रहा है। इस फिल्म को इसलिए भी सराहा जा रहा है क्योंकि यह फिल्म एक भक्ति फॉर्मेट पर बनी है। यह फिल्म वाकई में लोगों को पसंद आ रही है और सिनेमाघरों में इस फिल्म की वजह से भीड़ भी देखी जा रही है। आप जानते हैं कि रवि किशन को अधिकतर देखा गया है भोजपुरी फिल्मों में, लेकिन इन दिनों वो वेब सीरीज की वजह से भी ज़्यादा चर्चा है। लेकिन अगर बात करें फिल्मों की तो रवि किशन इन दिनों चर्चा में है महादेव का गोरखपुर फिल्म की वजह से। यह फिल्म चारों तरफ चर्चा का विषय इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि यह फिल्म भक्ति फॉर्मेट पे है। महादेव के भक्ति का जो ग्राउंड है उससे जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं यह फिल्म लोगों को इसलिए भी पसंद आ रहा है। सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं, कई सारे ऐसी भाषाओं में है जिसकी वजह से पूरे भारत में यह फिल्म रिलीज हुई है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और भी कई सारी भाषाएं हैं। इस फिल्म को पूरे भारत में एक साथ रिलीज किया गया है और आपके नज़दीकी सिनेमाघर में भी यह फिल्म जरूर रिलीज होगी। इस फिल्म को देखने के बाद हम इसका रिव्यू बना रहे हैं। आप तो जानते हैं कि हम किसी भी फिल्म का, ट्रेलर का या फिर कुछ भी हो जो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हो, उसका रिव्यू हम तभी बनाते हैं जब उसको देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद हमारा रिव्यू यही रहा कि इस फिल्म को एक बार तो देखा जाना ही चाहिए। पूरे फैमिली के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म को देखकर ये लगा कि वाकई में फिल्म ऐसी भी बननी चाहिए। इस फिल्म में कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से आप अपने परिवार के साथ इस फिल्म को ना देख सकें। भाई, टाइटल ही है महादेव का गोरखपुर, तो फिल्म में महादेव की भक्ति तो दिखनी ही है। फिल्म को बनारस से भी जोड़ा गया है, महादेव से भी जोड़ा गया है। महादेव के सैकड़ों वर्ष पुराने चमत्कारों को दिखाया गया है और आज भी महादेव की शक्ति किस तरह से बरकरार है ब्रह्मांड में, उसको दिखाया गया है। महादेव अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं ये भी दिखाया गया है। और रवि किशन ने इस फिल्म में जो अभिनय किया है उसका जोड़ नहीं है। फिल्म में डायरेक्टर साउथ के, एक्टर भी साउथ के, और फिल्म का जो एक्शन है वो भी साउथ के लोगों द्वारा फिल्माया गया है। तो वाकई में फिल्म बहुत ही बड़े लेवल की बनी है, कई सारी भाषाओं में, और बड़े बजट की फिल्म है ये। इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में फिल्म में पैसे के साथ साथ मेहनत भी खूब खर्च हुई है। इस फिल्म को जब हमने देखा तो जैसे ही ये फिल्म की शुरुआत हुई तो हमें तो लगा कि मैं कोई बॉलीवुड की फिल्म देख रहा हूँ। लेकिन इस फिल्म को अगर आप सिर्फ भोजपुरी फिल्म समझ रहे हैं तो आप गलत हैं। यह फिल्म भोजपुरी फॉर्मेट में बनाई ही नहीं गई है। भले ही इस फिल्म में भोजपुरी के एक्टर हैं, सुशील सिंह भी दिख रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को आप भोजपुरी के नज़रिए से मत देखिएगा। रवि किशन को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई भोजपुरी फिल्म होगी या फिर ये फिल्म ऐसे ही बना दी गई होगी, तो बिल्कुल नहीं। इस फिल्म को आप अपने पूरे परिवार के साथ एक बार जाकर के जरूर देखिए, क्योंकि रवि किशन के साथ साथ भोजपुरी के सम्मान की बात इस फिल्म से जुड़ी हुई है। तो जाकर के अपने पूरे फैमिली के साथ इस फिल्म को देखिए। और महादेव का गोरखपुर को अगर आप सोच रहे हैं कि हिट या फ्लॉप, तो भाई साहब, हमने तो फिल्म देखा, फिल्म हिट है। आप जाकर के देखिए और अपने जानने वालों, दोस्तों को, सबको बताइए ये बहुत अच्छी फिल्म है जिसे देखा जाना चाहिए। और कहीं से भी कॉपी पेस्ट हुआ फिल्म ना देखें, कहीं से भी हॉल डबिंग ना देखें। इस फिल्म के ओरिजिनल प्रिंट को देखना है तो सिनेमाघर में जाके देखिए, तब जाके इस फिल्म को सपोर्ट मिलेगा। तो जाइए, जाके देखिए महादेव का गोरखपुर। और अगर आपने पहले देख लिया है तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में कुछ और, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए महादेव का गोरखपुर। नमस्कार।